तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो दोस्तों तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल एकांश व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, एक महीने बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट कुछ रीज़न के कारण एग्जाम वगैरह थे कॉलेज के, इस वजह से। तो अभी वीडियो जल्दी रहेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल में अभी गाइस हम आए हुए हैं मेला देखने, वो भी कुलेसरा सूरजपुर के साइड CRPF कैंप गेट नंबर 2 में ये मेला लगा है। और ये मेला दिवाली स्पेशल यहाँ पर CRPF वालों ने ऑर्गेनाइज करवाया है। फिलहाल में अभी हम चलते हैं और मेला एंजॉय करेंगे, दिखाएंगे अंदर में क्या क्या चीज़ें। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और एंजॉय करिए गाइस। तो दोस्तों ये इसका एड्रेस मैं आपको बता दूं, सूरजपुर CRPF कैंप गेट नंबर 2। ये 3 दिन के लिए मेला लगेगा, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। तो लेट मत करिएगा, आइएगा और अंदर जाइएगा। तो फिलहाल में मैं फिर से बोल रहा हूँ, गेट नंबर 2 CRPF कैंप जो कि सूरजपुर रोड के साइड में रोड पे पड़ता है। तो गाइज दूसरे गेट पे मत जाना क्योंकि यहाँ भी 4-5 गेट हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जैसे हमें करने पड़ी। फिलहाल में चलते हैं यार, कुछ नहीं, आपके लिए हर चीज़ करना ज़रूरी है। एंड दोस्तों ये जो मेला है ना, हमारे घर मेरे घर के पीछे लगा हुआ है और मेरे घर से ज़्यादा नहीं, 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है बस। तो फिलहाल में तो हम पास में हैं तो हम चल सकते हैं, मगर मुझे पहले नहीं पता था, हम कम से कम 5-6 किलोमीटर घूम के आए हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहीं पर है पास में, मगर आने के बाद ही पता चला। तो इसीलिए मैंने भी आपको सजेस्ट कर दिया है कुलेसर वालों के लिए, और है कि जो भी कुलेसर वाला कोई भी बंदा देख रहा हो तो तुम्हें तो गेट नंबर 2 पता ही है कहाँ है, सूरजपुर वाले रोड के साइड, तो वहीं पर आना और उसके अंदर घुसना और आराम से देखना, कोई कुछ मना नहीं करेगा आने से अंदर, बस यही पूछेगा कहाँ रहते हो। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आ रहे हो तो मेले के अंदर अगर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट करते हो मेले के अंदर का करना, बाहर का भी कोई भी वीडियो शूट करता वो पकड़ा गया तो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ पहले आपको। तो आगे ये देख सकते हो, ये एंट्रेंस है और ये लिखा है दिवाली मेला 8, 9, 10 तारीख, और इसके अंदर चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको बता दूँ ये स्टॉल है पंजाब का, ये पंजाब से भैया आए हुए हैं, ये जो है तो इन्होंने स्टॉल लगा रखा है कपड़ों का। फिलहाल में ये देखिए कपड़े हैं जो कि पंजाब के हैं, और यहाँ पर हर जगह हर स्टेट को, कुछ स्टेट्स के आए हुए हैं जो स्टॉल लगा रखे हैं हर चीज़ का, कपड़ा वगैरह जो भी हो। तो आगे चलते हैं और स्टॉल से दिखाते हैं आपको, बाकी यहाँ गिलास वगैरह का देख सकते हो छत्तीसगढ़ के कपड़े हर जगह से, मैंने बताया कि हर जगह से स्टॉल्स वगैरह लगे आके यहाँ पर, और ये भैया भी आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अभी कपड़ों के मैंने प्राइस क्या है, 1250 से स्टार्टिंग है साड़ी सूट, 1250 से साड़ी सूट की स्टार्टिंग है। एंड लास्ट प्राइस कैसी, 4500 लास्ट है। तो आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो आके छोटी मोटी। ये देखिए सूट भैया, ये कहाँ का है, कश्मीर। ये देख सकते हो दोस्तों कश्मीरी कपड़े हैं, सूट वगैरह कश्मीरी। भैया कितने से स्टार्टिंग है इसके, 550 स्टार्टिंग है, 550 से स्टार्टिंग है, और लास्ट प्राइस 1200 लास्ट, 1200-1500 वही मान लो आपका यहाँ पर बैठेगा। ठीक है यार, इतने में तो यहाँ भी सूट मिल जाता, मगर कश्मीरी कपड़ा ले लो तो और अच्छी बात है। प्राइस ये देख सकते हो बनारसी साड़ी है भैया, बनारस से आए भैया। इसकी प्राइस क्या, कहाँ से स्टार्टिंग है, प्राइस स्टार्टिंग है 1250, 1250 स्टार्टिंग है, और लास्ट प्राइस इसकी कितनी होगी, लास्ट प्राइस 1450, 1450। तो ये देख सकते हैं सिल्क थोड़ी महंगी मिलेगी, ओरिजिनल सिल्क दिखाना। ये कहाँ का है वैसे, ये बनारस दोस्तों, ओरिजिनल सिल्क देख सकते हो, ये ओरिजिनल सिल्क का कपड़ा है, छू के भी लग रहा है गाइस। ये देखो इसे कितना भी फोल्ड कर सकते हो आप और जेब में भी रख सकते हो, छोटी साड़ी होती है, बहुत हल्की होती है। ये देख सकते हो यहाँ पर है बिस्किट, धुएं वाला बिस्किट, पान तो सुना था आज मैंने, धुएं वाला बिस्किट भी सुन लिया, 30 का 1 बिस्किट है और 50 का 2 बिस्किट है, और 50 का देख सकते हो ये वाला है आपका, इसमें 2 पीस है, और 30 का ये वाला है। यहाँ पर आके ना आप इंजॉय भी कर सकते हो मेला, यहाँ पर झूला वगैरह सब है, बड़े वाला झूला है, ये ड्रैगन है बच्चों के लिए, देख सकते हो ट्रेन वगैरह, और यहाँ पर बोट वगैरह है, बोटिंग वगैरह कर सकते हो बच्चे, और वो देखिए वहाँ पर बच्चों के लिए ड्रैगन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर ठीक है फिर भी। अभी और स्टॉल से दिखाएंगे अभी आपको हम।
कपड़ों वाला स्टेशन, इसे हमने कंप्लीट कर दिया है। और इधर हम चल रहे हैं फूड स्टेशन में, और पोटैटो ट्विस्टर है और भी कैसे कर रहे हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह निकल जाएगा, ये देखना। ये भैया ने निकाल दिया और ये ऐसा हो गया ना, पहले इस मसाले में लगेगा फिर इसमें छनेगा, बाकी वो भैया वो कर रहे हैं देख सकते हो। इस हिसाब से ये डिश रेडी हो जाएगी और अभी हम ट्राई नहीं कर सकते, हम पे पैसे नहीं, हम कंगाल हो चुके हैं। ये देखो ये ऐसा हो गया, ये मसाले में लग गया और ये भैया इसमें वो लगाएंगे, देखो क्या क्या लगाएंगे, ये के चूरे वगैरह कहेंगे भैया, रेड क्रम है ये, रेड क्रम। भाई देख रहे हैं तो मस्त लग रहे हैं, तो मूंग की दाल का चीला है भैया, ब्रेड में क्या है, सैंडविच है, तो भाई यस मूंग की दाल का सैंडविच है और ये नॉर्मल चीला है, सही है, नॉर्मल अच्छा खासा खाना है यहाँ पर भी। बाकी यहाँ देखते हैं, मजाक करके कहूँ ना गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर खाना भी फ्री है, मगर बाद में चल रहा है यहाँ पर पैसे भी देने जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ नॉर्मल है, पनीर वगैरह, कढ़ी वगैरह है, यहाँ नान है, आपकी मलाई चाप वगैरह जो भी है, यहाँ गोलगप्पे हैं, पाव भाजी से वगैरह सब है, देखो भीड़ कितनी लगी हुई है, मट्टी है, टिक्की है, ये राम लड्डू कहते हैं आई थिंक इसे, ये रही पाव भाजी आपकी, और इधर डोसा। तो दोस्तों कुछ मेरे छोटे भाई बहन मिले थे यहाँ पर देख सकते हो मेले में, और इनसे पूछते हैं अरे छोटे भाई तू तो बोल कुछ, बोलेगा वो शर्मा रहा है, वो बच्चा है अभी शर्मा रहा है कैमरे के सामने, बट इन लोगों के साथ मिलकर मेरे को बहुत खुशी मिली, क्योंकि ये पहली बार कोई बंदा भाई अनजान बंदा किसी से बोलता है ना तो अच्छा लगता है, तो ऐसे ये मिले मेरे बहन है और ये दोनों मेरे भाई, तो मुझे भी अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लगा, नहीं लगा हमें तो काम में हर जगह जाना, हर जगह सोच करना, तो हमें तो अच्छा लगा, अच्छा लगता है। चलो तो दोस्तों मेरा व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग देख के, कमेंट में जरूर बताइएगा ये चीज़। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, दिस इज गंस व्लॉग साइनिंग ऑफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन बी सेफ, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।